हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको सेरोगेसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो ये वीडियो आपकी जानकारी को जरूर सुदृढ़ करेगा। अगर कोई पति पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके जरिए बच्चे को जन्म देना सेरोगेसी कहलाता है। और बच्चा पैदा करने के लिए जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सेरोगेट मदर कहा जाता है। सेरोगेसी में कपल्स में से मेल पार्टनर के स्पर्म यानी कि शुक्राणु और फीमेल पार्टनर के एग यानी कि अंडे को लेकर फर्टिलाइज किया जाता है और फिर उसे सेरोगेट मदर यानी किसी अन्य महिला की कोख में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया भारत में पूरी तरीके से वैध है, अर्थात कानूनी तौर पर जायज है। सेरोगेसी दो तरह की होती है, एक है ट्रेडिशनल और दूसरी है गेस्टेशनल। ट्रेडिशनल सेरोगेसी में पिता की शुक्राणुओं को किसी अन्य महिला के अंडे के साथ निषेचित यानी कि फर्टिलाइज किया जाता है, जिसमें बच्चे का जेनेटिक संबंध केवल पिता से होता है। गेस्टेशनल सेरोगेसी में टेस्ट ट्यूब में यानी कि IVF के जरिए माता पिता के अंडे और शुक्राणुओं को लेकर एक भ्रूण तैयार किया जाता है और फिर उस भ्रूण को सेरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इससे जो बच्चा पैदा होता है उसका जेनेटिक संबंध माता पिता दोनों से होता है। बच्चे में सेरोगेट माँ का कोई DNA मौजूद नहीं होता है, लेकिन ट्रेडिशनल सेरोगेसी के मामले में बच्चा सेरोगेट माँ की तरह दिख सकता है। थैंक यू।